टाइगढ़ जिले के खपोली इलाके में यात्रियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी। हादसा खपोली इलाके में शिंगरोबा मंदिर के पीछे हुआ। यह बस रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिर गई। बस में 41 यात्री सवार थे, इनमें से 13 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 25 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा हुआ है। 41 लोगों को लेकर जा रही बस अचानक से खाई में गिर गई। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे, हालात का जायजा लिया। इस हादसे ने 13 लोगों की जान ले ली है। पूरे मामले की जांच भी की जाएगी, लेकिन 500 फीट गहरी खाई में किस तरह से बस जा गिरी उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आज जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुखदायक है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसलिए मैं यहाँ आने से पहले मैं MGM हॉस्पिटल में गया था। वहाँ जो इंजर्ड है, जो घायल है, उनसे मैं मिला, पूरे डॉक्टर के टीम से मैं मिला और डॉक्टरों को मैंने सूचित किया है, निर्देश दिए हुए कि इनका इलाज जो है अच्छे से इलाज हो जाए, उनकी जान बचे। और जो मृत हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनको 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मदद की घोषणा भी कर दी है और उनके परिवार को वो मदद मिलेगी। और जो घायल है उनका पूरा इलाज का खर्च जो है ये सरकार करेगी, ऐसा भी निर्णय हम लोगों ने लिया है। देखिए, यहाँ पर ये जो खंडाला घाट एरिया है, जो भोर घाट कहलाता है, वहाँ पर ये दुर्घटना हुई है, जिसमें अभी जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है कि 13 लोगों की जान गई है। 41 लोग इस बस में सफर कर रहे थे, जो कि ये प्राइवेट बस है ऐसा बताया जा रहा है। और ये बस पुणे के पास पिंपले गौरव एरिया से निकली थी और मुंबई गोरेगांव एरिया में जा रही थी। ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। ये जो सड़क और ये जो इलाका है वो कौन सा है, इस बारे में बात करेंगे। सर, ये इलाका कौन सा है? ये बोरघाट का इलाका है और खंडाला और खोपली का बीच का जो घाट सेक्शन है वो ये इलाका है। और जो दुर्घटना हुई उसके बारे में बताइए कि बस कहाँ से किधर सफर कर रही थी, कितने मुसाफिर थे और कितने लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनकी जान गई है दुखद घटना में। ये मुंबई गोरेगांव के लोग थे और ये पुणा में प्रोग्राम के लिए गए थे और ये ढोल ताशा पतक है वही लोग थे, जो 41 लोग थे टोटल। और ये प्रोग्राम होने के बाद गोरेगांव निकल रहे तो ये बोरघाट में ये एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट जो हुआ है उसका कारण क्या है, अभी प्राथमिक जानकारी क्या आई हुई है? ये एक घाट सेक्शन है तो एक्सीडेंट थोड़ा सा, ये घाट सेक्शन होने की वजह से रोड स्टीप स्लोप है और यहाँ पे वैसे प्राइमरी लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होने की वजह से कंट्रोल नहीं हुआ व्हीकल के ऊपर, इसीलिए ये एक्सीडेंट हुआ है। ढलान बहुत ज्यादा है इस सड़क पर। यस राइट, ये पुणे पुराना ये हाईवे है, इसलिए यहाँ पे स्टीप स्लोप बहुत ज्यादा है।